राष्ट्रगौरव छत्रपति शिवाजी महाराज की ये 394वीं जयंती हम इंदौर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और ये पूरे विश्व में बड़े हर्ष के साथ सभी मनाते हैं। और इस यात्रा का जो हिंदू प्रेमी है, सनातन प्रेमी है, वो सभी इस यात्रा में सम्मिलित रहेंगे, जो 19 फरवरी को सुबह 8 बजे राजमाता जिजाऊ चौक से ये यात्रा प्रारंभ होगी और छत्रपति शिवाजी महाराज वाटिका को माल्यार्पण के पश्चात ये समापन रहेगा। और इस यात्रा में सभी संत सम्मेलन, जो सभी संत हैं उनका आशीर्वाद इस यात्रा में रहेगा, जैसे बाबा महाराज तरानेकर है, अन्ना महाराज जी है, दादू महाराज जी है और प्रवणानंद महाराज जी है, ऐसे सभी महाराज इस यात्रा में रहेंगे। और आशीर्वाद स्वरूप उत्तम स्वामी जी महाराज है, ये भी इस यात्रा में रहेंगे। और आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय, रमेश जी, गोलू शुक्ला जी और इनका भी, और महापौर जी श्री पुष्यमित्र भार्गव जी भी इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। हर बार देखा जाता है कि आपकी यात्रा में मराठी कल्चर देखने को मिलता है। इस यात्रा में भी महिला प्रधान यात्रा रहेगी, जिसमें सभी महिलाएं जो है वो महाराष्ट्रीयन वेशभूषा में आएगी, बुलेट पर सवार साफा पहने हुए महिलाएं, युवतियां सभी इसमें रहेंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे जो है शिवाजी महाराज के वेशभूषा में आएंगे। और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का पहला ध्वज पथक है, श्री स्वर ध्वज पथक, जो अपनी संस्कृति, अपने कला और अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध है, उन बच्चों द्वारा यहाँ पे ध्वज पथक, ध्वज का सम्मान में वहाँ पे प्रस्तुति रहेगी ध्वज की। आपकी